जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज है संडे, संडे को मैं आज लंच में चिकन बिरयानी बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं बिरयानी बनाने के लिए। बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 kg चावल लिया है। ये बिरयानी चावल है, मैं इसको 1 kg चावल का मैं बनाऊंगी बिरयानी। इसको पहले अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद सोक करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए मेरे पास ये कुछ खड़ा मसाला है। अब ये मेरा पानी उबल गया है, देखिए इसमें मैं खड़ा मसाला डाल दूंगी। ये 2-3 तेज़पत्ता, ये 2 टुकड़ा दालचीनी का है, और ये 2-4 दाना काली मिर्च का है, और ये 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, सबको इसको डाल देंगे इसमें। उसके बाद इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। ये मेरा पानी उबल गया है, अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी बॉयल होने के लिए। देखिए चावल डाल देते हैं आराम आराम से। ये दोस्तों मैंने इसमें चावल डाल दिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ही इसको पकाना है, पूरे तरीके से इसको नहीं बनाना है। मैं दिखाऊंगी कैसे कितना मैं इसको पकाती हूँ। चावल में नमक अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए मैं नमक इसमें डाली हूँ, थोड़ा सा ही मैं नमक डाली हूँ। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे धीरे धीरे, नहीं तो ये चिपक जाएगा। ऐसे मैंने तेल डाला है इसमें, तेल डालने से ये नहीं चिपकता है चावल एक दूसरे में। अब इसको पकने देते हैं 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम करके। तो मेरा देखिए चावल ये पक गया है, इसको ज़्यादा मैंने नहीं पकाया। देखिए इस तरीके से देखिए दबाने पे हल्का कड़ा है, इसी तरह से पकड़ना है इसको। ये अब मैं इसको उतार देती हूँ। तो चलिए इसमें देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट है, मैं इसे डाल देती हूँ 3 चम्मच, और ये सूखा मसाला है 1 बड़े चम्मच, धनिया पाउडर, उसके बाद नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, ये जीरा पाउडर है भुना हुआ जीरा, ये हल्दी पाउडर, ये मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से दीजिएगा जितना आप तीखा खाते हो, और ये बिरयानी मसाला है 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है बिरयानी मसाला। इसके बाद ये टमाटर है, 2 पीस टमाटर है, इसको भी मैंने छोटा छोटा टुकड़ा काट लिया है। उसके बाद ये पुदीना का पत्ता है, देखिए पुदीना का पत्ता से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद ये दही भी 2 चम्मच डाल देंगे, 2-3 चम्मच के करीब। उसके बाद ये नींबू का रस है 1 बड़े चम्मच, फिर फ्राई किया हुआ प्याज है इसको भी थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा रहने देंगे इसको, जब दम लगाएंगे तो फिर उसमें डालेंगे। और ये हरी मिर्च है, और ये चिली फ्लेक्स, दोनों मिर्ची का टेस्ट आएगा, हरा मिर्च और सूखा मिर्च का। इसके बाद सबको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। देखिए कितना स्पाइसी हो गया, इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छे से सारा मसाला इस चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको फिर से बनाऊंगी, इसे फिर बनाऊंगी मैं। दोस्तों ये मेरा हो गया मैरिनेट, देखें 1 घंटे इसको छोड़ देंगे। दोस्तों चलिए इसको चेक करते हैं, 1 घंटा ये हो गया है मैरिनेट हुए। देखिए इसे पानी भी छोड़ दिया है हल्का हल्का प्याज की वजह से। अब मैं इसे भून लेती हूँ। चिकन को भूनने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाया, कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है दोस्तों। अब मैं इसमें तेल डाल लेती हूँ, 1-3-4 चम्मच के करीब डालेंगे, अच्छे से ये भुनाएगा, और इसको पूरा नहीं पकाना है, आधा पकाएंगे चिकन को, आधा
आधा से थोड़ा ज़्यादा इसके बाद में दाम लगाएंगे तो उसमें भी पक जाएगा ये अच्छे से। इसमें डाल देती हूँ आराम आराम से, अब मैं इसमें डाल देती हूँ आराम आराम से। अच्छे से भून लेंगे सारा मसाला जो है भुना जाएगा अच्छे से। उसके बाद तो मिला लेंगे अच्छे से, मिक्स तो ऐसे है ही इसका मसाला, और इसको ढक के आधा घंटा तक इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। चलिए इसको चेक करते हैं दोस्तों ये कितना पका है, देखिए कितना अच्छा पानी छोड़ दिया है ये। अब इसको उतार देते हैं, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हो गया अभी ये। इसको देखिए, इसको चेक करते हैं कितना पका है ये, देखिए बस ये 1% अभी कच्चा है। अब इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको दम लगाएंगे तो फिर उसमें ये पक जाएगा। दोस्तों अब मैं इसको दम लगाने के लिए, देखिए सबसे पहले मैं चिकन डालूंगी, चिकन को अच्छे से फैला लेते हैं पतीले में। बस अब इतना ही डालेंगे, उसके बाद चावल डालेंगे ऊपर से, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज ये फ्राई किया हुआ छिड़क देते हैं, उसके बाद ये पुदीने का पत्ता, धनिया का पत्ता दोस्तों मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं था इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, आप ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास होगा तो, धनिया के पत्ता से अच्छा टेस्ट आता है धनिया पत्ता डालने से। उसके बाद मैं फिर ये इसके ऊपर चिकन डालूँगी, तीन लेयर में इसको बनाना है दोस्तों, तीन लेयर में मैं इसे बनाऊंगी। उसके बाद फिर ये ऊपर से चावल डालेंगे, उसके बाद फिर ऊपर से ये प्याज छिड़क देंगे, उसके बाद फिर पुदीने का पत्ता, उसके बाद फिर ये जब चिकन बचा हुआ है वो भी डाल देंगे। उसके बाद ये लास्ट लेयर है दोस्तों, उसके बाद मैं अब नहीं डालूंगी। उसके ऊपर से फिर प्याज छिड़क देंगे, धनिया, ये मेरा फूड कलर है, ये दूध में मैंने केसर डाल के रखा था, देखिए इसको भी मैं डाल देती हूँ। और ये ऊपर से 2 चम्मच घी डाल देंगे, घी डालने से क्या होगा ये चावल मेरा सूखा सूखा नहीं रहेगा दोस्तों। ऊपर से केवड़ा वाटर डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, एक ढक्कन मैं डाली हूँ। उसके बाद इसको कवर कर देंगे, उसके बाद इसको आटा लगा देंगे साइड साइड से, वो ढक्कन से कवर कर दिए, अब साइड से आटा लगा देंगे ताकि जो है इसका भाप बाहर ना निकल सके और ये अच्छे से पक जाए। इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पका हुआ है दोनों, बस हल्का सा इसको गैस पे चढ़ा देंगे, वो भी डायरेक्ट नहीं चढ़ाना गैस पे, तवा चढ़ा देंगे, उसके बाद तवा गर्म हो जाएगा तो ऊपर डाल देंगे। दोस्तों इसको मैंने अच्छे से आटा से कवर कर दिया साइड साइड से, अब इसको मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ, तवा मैंने चढ़ा दिया, तवा मेरा गर्म हो गया है, अब इसको मैं चढ़ा देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, इसको छोड़ देंगे इसी तरह तवा पे चढ़ा के, उसके बाद फिर बंद करेंगे 10 तक। मेरा गैस का फ्लेम कम है, मीडियम कर दे, नहीं तो ये फिर अंदर से नहीं तो जल जाएगा। अब इसको छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। दोस्तों ये 10 से 15 मिनट हो गया है,
देखिए आटा भी मेरा कड़ा हो गया साइड में जो मैंने लगाया था। अब इसको बंद कर देते हैं, बंद करके इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे चूल्हे पर से नीचे उतार के। दोस्तों ये हो गया है आधा घंटा। अब मैं इसको इसका आटा पहले निकाल देती हूँ चाकू से, देखते हैं इसका क्या पोजीशन है। देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा हुआ है मेरा बिरयानी। इसको अंदर से निकालते हैं, मस्त हुआ है मेरा बिरयानी बनके। ऐसा मैं एक बॉल में निकालती हूँ सर्व करने के लिए। बहुत अच्छा बना है दोस्तों मेरा ये बिरयानी, केवड़ा वाटर का स्मेल आ रहा है। देखिए दोस्तों मेरा तो बिरयानी बनके रेडी हो गया है, मैं इसे अब सर्व कर देती हूँ सबको खाने के लिए। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो बिरयानी का, चिकन बिरयानी का, बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं एक नए वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय माता दी।